नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेबोन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि इसके प्रयोग इम्यूनिटी पावर को बूस्ट और वीकनेस को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं, आइए अधिक विस्तार से जानते हैं कौन इसे मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स इस बेबोन कैप्सूल्स में उपयोग किए गए हैं। यदि आप इस बेबोन कैप्सूल्स को उपयोग करते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है। यदि आपने अभी तक मेडिसिन विद स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसके ऊपर प्रयोग किए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करो तो फ्रेंड्स, इस बेबोन कैप्सूल्स में मुख्य रूप से उपयोग किए गए हैं मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा भी दोस्तों 8 से 12 प्रकार इंग्रेडिएंट्स इस बेबोन कैप्सूल्स में उपयोग किए गए हैं, जैसे फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, जिंक सल्फेट। इसके अलावा भी दोस्तों आपको 8 से 10 प्रकार इंग्रेडिएंट्स इस बेबोन कैप्सूल्स में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे जो कि है ज्यूबेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। अगर इसके मार्केट प्राइस के बारे में बात करो तो फ्रेंड्स, 15 कैप्सूल्स का एक स्ट्रिप आता है जिसका एमआरपी 132.70 रुपीज है। और दोस्तों, इसका जो एमआरपी है वो समय के साथ कम ज्यादा होते रहते हैं। आइए जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इसके प्रयोग इम्यूनिटी पावर को बूस्ट और वीकनेस को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे भूख ना लगना, वजन दिन ब दिन कम होना, शरीर में कमजोरी सा या फिर थकान सा लगना। एंड दोस्तों, अगर इसके यूजेस के बारे में बात कर तो इसके प्रयोग हड्डियों को मजबूत करने के लिए यूज किए जाते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कम होने पर उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट और वीकनेस को दूर करने के लिए इसके प्रयोग किए जाते हैं। अगर इसके डोसेज के बारे में बात कर तो दोस्तों, एक एडल्ट व्यक्ति पर डे एक कैप्सूल्स ले सकते हैं। और दोस्तों, इस कैप्सूल्स को आप खाना खाने के बाद यूज करें। अभी जान लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में। दोस्तों, उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। प्रेगनेंसी लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना है। दोस्तों, लंबे समय तक आप इस बेबोन कैप्सूल्स को उपयोग ना करें। अभी जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, जैसे लूज मोशन, उल्टी सा होना या फिर जी मचलाना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। उम्मीद करता हूँ आपको बेबोन कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।